नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बायोग्राफी एंड जीवनी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज एक शख्स के बारे में बताना रहा जो बॉलीवुड का बादशाह है, जिसको बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनके माता का नाम लतीफ़ फातिमा और पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था। शाहरुख खान एक बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और टेलीविज़न कलाकार हैं, जिनको किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अपनी पहचान और परिचय के लिए वे आज किसी शब्द के मोहताज नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने अभिनय के लिए मशहूर हैं। शाहरुख खान ने साल 1980 में टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की। 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री की और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान अभी तक 14 फिल्मफेयर अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और इनके इस महान कार्य के लिए इनके साल 2005 में भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, और ये बता दें कि गौरतलब है कि गैर फिल्मी परिवार से होने के बाद भी शाहरुख खान भारतीय सिनेमा जगत में अपनी एक अलग और बड़ी पहचान बनाई। साल 2015 में वेल्थ रिसर्च फर्म वेल्थ एक्स के अनुसार शाहरुख खान भारत के पहले और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर अभिनेता थे, जबकि 1 बिलियन की संपत्ति के साथ पहले नंबर पे अमेरिका के मर्व गिफिन में थे। लेकिन 2017 के आंकड़ों के अनुसार पहले नंबर पर मर्फ गिफिन, दूसरे नंबर पर अमेरिका के जेरी सैनफील्ड और तीसरे नंबर पर भारत के शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान अभी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां उनकी पत्नी गौरी खान और 3 बच्चे आर्यन खान, सुहाना और अब्राम भी उनके साथ रहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी बता दें कि शाहरुख खान 1991 में जब शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई गए तो वहाँ वो गौरी को ढूंढने लगे। घर से जो 10,000 रुपये लेकर गए थे, वो रुपये तो गौरी को ढूंढने में ही ख़त्म हो गए थे और उनके पास ट्रेन से घर वापस आने तक के पैसे नहीं बचे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि सड़कों पर सोना पड़ता था। जेब में सिर्फ 20 रुपये बाकी रह गए थे। जब उन्हें गुस्सा आया तो उनको खुद से कहा था, इस शहर ने मुझे इतना तंग कर दिया है कि एक दिन मैं इस शहर का बादशाह कहलाऊंगा। फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको अपना कैमरा गिरी रखना पड़ा। इसको हम एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं। शाहरुख खान के पास गौरी का ना तो पता था ना कोई नंबर, मगर एक दिन अचानक बीच पर टहलते हुए उनकी मुलाकात गौरी से हो गई। और दोस्तों, साथ ही साथ ये बता दें कि वहाँ पर गौरी ने उनसे कहा कि वे गौरी के मामा मामी से शादी के बारे में बात करें, वो अच्छे हैं, क्या पता मम्मी पापा को मना ले शाहरुख खान, तब क्या कह सकते थे जब उनके पास कुछ नहीं हो। मगर अपने शाहरुख खान का यह डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ आपको उस चीज़ को दिलाने में लग जाती है। इस तरह दोस्तों, और शाहरुख खान खुद इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है। शाहरुख खान के टीवी सीरियल फौजी और सर्कस से उनको थोड़ी बहुत पहचान मिल चुकी थी। फिर एक दिन वो बांद्रा में बिरयानी खा रहे थे, तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आए जिनका नाम था विवेक वासवानी। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, नए नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें।